इटावा भरतना जसवंत नगर तीनों नगर पालिकाओं पर दौड़ी साइकिल भाजपा को मिली इटावा में करारी हार। वहीं से पाल सिंह यादव ने कहा कि यह जीत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से मिली है। इटावा भरतना जसवंत नगर में समाजवादी पार्टी की बादशाह रही बरकरार। कुल 60,469 वोट सपा प्रत्याशी ज्योति गुप्ता को मिले। भाजपा प्रत्याशी कुसुम दुबे को 30,783 वोट मिले। सपा से ज्योति गुप्ता 29,886 वोटों से विजयी हुई। भरतना में सपा का चौथी बार कब्जा रहा बरकरार। बीएसपी की उम्मीदवार भर्तिका गुप्ता को 8,404 वोट मिले। वहीं बीजेपी से डॉक्टर मनीषी गुप्ता तीसरे नंबर पर रहीं, उन्हें मात्र 3,609 वोट ही मिल सके। वहीं समाजवादी पार्टी के अजय यादव गुल्लू 1,609 वोटों से विजयी घोषित हुए। जसवंत नगर में सपा प्रत्याशी सत्यनारायण ने 8,623 वोट प्राप्त किए और जीत हासिल की। वहीं भाजपा से जयसेप को मात्र 3,753 वोट ही मिल सके। इटावा से विशाल रावत की रिपोर्ट। आपकी कई हजारों वोटों से आपकी जीत हुई है, अब आप आगे का जो जनता का रहेगा वो किस तरीके से करेंगे? समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं बधाई, उनकी मेहनत से इटावा की बड़ी जीत हुई है, उसके लिए बधाई। इटावा, जसवंत नगर, भरतना, सभी नगर पंचायत समाजवादी पार्टी जीती है। जिस तरह से कर्नाटक का परिणाम आया, कांग्रेस पार्टी ने बड़ी भावों से वहां जीत हासिल की है, क्या लग रहा है कि कर्नाटक में भी कांग्रेस जीती है और कांग्रेस पार्टी हारी है? चाचा आप भी बताओ, आज निकाय चुनाव के परिणाम से लोकसभा का चुनाव किस तरीके से देखिए, वैसे तो नगर पालिका में समाजवादी पार्टी ने बहुत कड़ी मेहनत करके लड़ी है चुनाव, और ये देखिए छोटे चुनाव हैं तब भी समाजवादी पार्टी बड़ी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी है, और यहाँ इटावा और इटावा के आसपास समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छी जीत हासिल की है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान और भविष्य दोनों है। देखिए बड़बोले तो हैं ही वो बड़बोले के साथ साथ हम इतना ही बताना चाहते हैं कि वैसे तो देखिए समाजवादी पार्टी का संगठन अब हमें बनाना है, और संगठन को मजबूत करके इतना जानते हैं कि 2024 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती होगी, और संगठन ऐसा संगठन बनाना पड़ेगा, और सभी हम समाजवादी पार्टी के लोगों से संगठन को मजबूत करेंगे, और समाजवादी पार्टी के लोगों से ये भी है कि संगठन और पार्टी सर्वोच्च होती है। आरोप लगाए गए कि फर्जी आधार कार्ड बनवा के फर्जी वोटिंग हुई है। देखिए इटावा में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से जीत हुई है, अब ये काम तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है, वो ही बना सकते हैं, और समाजवादी पार्टी की तो कड़ी मेहनत से ये जीत हुई है। बस इतना ही है कि जितना भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं और उनसे यही कहेंगे, संगठन को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है, और संगठन को मजबूत करके, और ये भी मेरा कहना है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पार्टी सर्वोच्च होती है, और 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी समाजवादी पार्टी।